1970, और मुरली का टाइटल है महारथीपन के गुण और कर्तव्य। इस मुरली में बाबा ने महारथी, घोड़े सवार और प्यादे तीनों के पुरुषार्थ के बारे में बताया है कि तीनों के पुरुषार्थ में क्या क्या अंतर हो सकता है और महारथीपन की क्या विशेषताएं और गुण हैं। वो बाबा ने हमें सारी मुरली में स्पष्ट किया है कि क्या क्या महारथी के गुण और कर्तव्य होने चाहिए। बाबा ने बताया कि जो महारथी होंगे उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में कोई अंतर नहीं होगा, जो वो प्रैक्टिस करेंगे वही उनका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएगा, और घोड़े सवार क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे और फिर करेंगे, और जो प्यादे हैं वे प्लान बनाते ही सोचते ही रह जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि मैं आपके अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार करवाने के लिए आया हूँ, और बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि जैसे जैसे बाप ने पुरुषार्थ करके अपने संपूर्ण अवस्था को पाया है, बच्चों ने भी उसी अवस्था को पाने के लिए बाप के पाँव के ऊपर पाँव रखना है और फुट स्टेप पर चलना है। फिर बाबा ने कहा कि आपके जो संकल्प हैं, आप जो करते हैं वही आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसमें संकल्पों में और कर्मों में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए, ये अभी बच्चों का खेल है। बाबा ने कहा अगर आपके कोई फालतू संकल्प की रचना करते हो और वो प्रैक्टिकल में नहीं आते तो ये जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल है, और ये जो व्यर्थ संकल्प है ये पुरुषार्थ की कमी के कारण ही व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है। जो महारथी होते हैं उनकी ऐसी रचना होएगी नहीं, जो कल्प पहले हुआ होगा वही उनका प्रैक्टिकल स्वरूप होगा और वही वो संकल्प रचेंगे जो संपूर्णता को संकल्प पाएंगे। तो सुनते हैं बाकी डिटेल में, महावाक्य में बाबा क्या कहते हैं। आज बोलना है वह बोलने से परे जाना है। बाबा ने पहले बहुत क्वेश्चन किए ताकि बच्चे अपनी बुद्धि चलाएं, और एक पॉज लेके हम भी सोचेंगे कि बाबा क्या कह रहे हैं, उसमें हमारा क्या आंसर है। बाबा पूछते हैं बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है वह बोलने की अच्छी है। दोनों, किसी ने कहा दोनों, ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है, बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। बाबा कहते हैं अगर आप आवाज में हो तो क्या उस आवाज में साइलेंस का अनुभव हो सकता है, दोनों का साथ हो सकता है, वह जब ना बोलो तब परे अवस्था हो सकती है। तो एक किस्म का बाबा कह रहे हैं कि अगर आप आवाज में हो तो भी साइलेंस हो, अगर आप मतलब बैलेंस होना चाहिए, हो सकती है तो कब होगी, इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा कितना समय चाहिए, अब हो सकती है, कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए, प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। ये भी बाबा का प्रश्न है कि क्या हम कर्म कर्म करते हुए कर्मयोगी बन सकते हैं, अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है, मतलब बाबा ये भी कह रहे हैं कि आज से ही महारथियों का काम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़े सवार में अंतर ही ये होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे, ये अंतर होता है। बच्चों के मुख से ये शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है प्रैक्टिस करेंगे,
बाबा कहते हैं जो अटेंशन दे के प्रैक्टिस करके फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना, ये भी तीव्र पुरुषार्थी और महारथीपन के गुण नहीं है कि अटेंशन भी दें, मतलब हमारा नेचुरल स्वरूप नहीं है अगर हम अटेंशन दे के कर रहे हैं। अभी वह स्थिति भी पार हो गई, अभी जो भी संकल्प हो वह कर्म हो, संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं, संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अभी वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथी के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं? बाबा ने प्रश्न किया बच्चों से कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं क्या बोल सकते, क्या कर सकते हैं? अब से धारणा करने से ही अंतिम मुहूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना, पांव के ऊपर पांव, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पांव पर पांव, जैसे के वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आवेगी? महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा, कब करेंगे व अब करेंगे। कब शब्द शुभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता है करके दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे सोचेंगे। तो ये जैसे ढीला पुरुषार्थ है, हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते, फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि, सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं। जो हम बाबा का ज्ञान कोर्स करवाते हैं, बाबा कहते ज्ञान देना, बाप का परिचय देना, सिर्फ इसमें बाबा है, इसमें निश्चय बुद्धि नहीं। लेकिन फेथफुल का अर्थ है कि हर कर्म, हर जो बाबा ने कहा हाँ करके दिखाएंगे, हर बात में निश्चय बुद्धि, सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं। लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान बनाया है? ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना, अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन ये संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, ये महारथी का काम है। सभी की नजर अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजर आप लोगों की बदली हुई नजरों को ही देखे। तो अभी वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। ये संगठन कॉमन नहीं है, ये संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हों। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए, अपने संस्कार नहीं,
सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार बरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि ये साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं, पहले ये बेंट करो, ये बाप दादा के संस्कार हैं। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो, बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। जैसे निजम रखते हो ना कि ये नहीं करना है, तो फिर बल क्या भी परिस्थिति आती है वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो, क्योंकि लक्ष्य है कि ये करना है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच करना नहीं है, ऐसे समझो। दे और दे के संबंध की ये सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल और मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प होने चाहिए, फिर सभी के मुख से निकलेगा ये तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सीरत में सीरत आनी चाहिए, सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे, सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। अब समझा क्या करना है? जो सोचेंगे जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे देखेंगे विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं, अब तक ये क्यों? अभी ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड्डियों का खेल करे तो क्या लगता है? तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड्डियों का खेल क्या होता है मालूम है? थोड़ा सा मैंने स्लो ना, थोड़ा स्लो पढ़ना क्योंकि वो ठीक है। तो बाबा कहते हैं गुड्डियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देते हैं, छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो ये गुड्डियों का खेल नहीं हुआ? तो बाबा कहते हैं जो विश्व के आधार मूर्त आप आत्माएं हो, जो पूर्वज आत्माएं हो, आपको ऐसे कोई नहीं करना जो छोटे बच्चों की तरह लगे, क्योंकि आपके ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है। तो ये गुड्डियों का खेल बाबा कहते होता है, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है, बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं। और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। एक सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। एक सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं? रचना रचकर
उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उसको खत्म करने लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, ये भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो ये भी बर्थ जन्म है। वहां वह जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है, इसलिए अब से संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। दीदी ओम शांति। सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओके बाबा। जी एक मिनट साइलेंस में रखेंगे। तो उनसे पहले कल सभी को पता है कल बाबा मिलन है, अव्यक्त बाबा मिलन। तो इसलिए कल से तो थोड़ा सा आपका मौन में रहना या बाबा से वरदान लेना ये तो आप करेंगे साथ साथ। कल शाम का क्लास 8:30 के बजाय 9:00 होगा। 8:30 हम क्लास नहीं चालू करेंगे क्योंकि बड़ों का आशीर्वचन वगैरह होता है, इसलिए कल 9:00 क्लास होता है। तो आज हम क्या करेंगे, एक मिनट साइलेंस से आएंगे और सभी ब्रेकआउट रूम का भी में भी जाएंगे। तो ब्रेकआउट रूम में आज मुरली का चिंतन हम करेंगे। एक मिनट साइलेंस करते हैं। के जो भी यहाँ पर है थोड़ा सा आज की मुरली का चिंतन करेंगे। क्या लगा आपको? जी सती बहन जी। ये अनम्यूट करना और बोलना। जो बाबा ने कहा ना कि संकल्पों का भी हमें क्या करना है, बर्थ कंट्रोल। जी जिन्होंने हैंड रेज किया अपना माइक अनम्यूट करके बोल। ज्योति बहन जी। हाँ, संकल्प पर चेक करने की ये बात समान है क्या, ब्रह्मा बाबा को ये अच्छे लगते हैं क्या? तो अगर बर्थ कंट्रोल करेंगे तो उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश का टाइम बच जाएगा। तो ये हमारा पुराना संस्कार है कि सोच में जाना, उसको रिपीट करना, उसमें समय गवाना। तो ये पॉइंट बहुत गहरी और अच्छी लगी।
और हमारे बोल पर भी हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बोल पुराने दुनिया के जैसे नहीं होने चाहिए, हमारे संपन्न और संपूर्ण उस हिसाब से ही होने चाहिए। उसके लिए हमारा संकल्प बहुत पावरफुल होना चाहिए। ओम शांति। जी, इसके लिए क्वालिटी संकल्पों को बढ़ाना और क्वांटिटी को कम करना। जितना हम क्वालिटी संकल्पों को बढ़ाएंगे उतना ऑटोमेटिक क्या होगा, शक्ति मिलेगी। इसका प्रयोग करना कि समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें, ये बहुत सुंदर टॉपिक है। इस समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें, क्योंकि सारे दिन भर में कितने सारे व्यर्थ संकल्प आते हैं। और कोई बताएंगे? और दुनिया में सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, लेकिन वहाँ यहाँ पे स्वयं बाबा हमको सिखा रहे, तो इसको और गहराई से कैसे लेंगे, उसके लिए योग का भी सहयोग रहेगा, अमृत वेला, तभी हमको ये अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी, मेरे दिन भर के संकल्प है ना, ऐसे होगा ना, क्या और कुछ होगा। शांति। जी जी, शीला बहन जी आप भी बोलना। जितने भी पार्टिसिपेंट है अपना माइक अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि ब्रेकआउट रूम आपके लिए ही ओपन किया है ताकि खुले चिंतन आप कर सकते, जो भी पॉइंट अच्छी लगी, आपको कुछ बोलना है, क्या बाप दादा के संस्कार कौन से है जो हमें उनके समान बोलना है। हाँ, डायरेक्ट बोलना, शुभम जिनका नाम, शुभम भाई जी या दीदी जी। बाबा ने कहा है कि मतलब महारथियों के समान बनना है अपने को, तो उसके लिए क्या करना है कि सोचेंगे करेंगे, ऐसा नहीं करके ही दिखाएंगे, ऐसा निश्चय बुद्धि चाहिए। और ये निश्चय बस ज्ञान में और बाबा का परिचय इसमें भी इसमें ही नहीं, तो अपनी धारणाएं वैसी चाहिए कि मतलब अपने कोई भी बोल हिम्मतहीन नहीं होने चाहिए, अपने खुद में भी अपने को फेथ चाहिए। कि कई सारे संस्कार ऐसे होते हैं ना कि हमें इतने सालों तक वही 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 चलता है। बाबा कहते हैं कि संकल्प करके फिर उसको क्या करना, प्रैक्टिकल मिला। और जी, सोहन जोशी भाई जी। जी, बाबा ने जैसे हमको जो अपनी बात है वो ये है, अच्छी जो लगी बाबा ने जब शुरू किया तो बोला कि ना बोलना है वो आप बोलने से परे जाना। इसमें बाबा ने दो ऑप्शन दिए कि अगर बोलते हुए बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, या जब ना बोले तभी हो सकती है, दोनों साथ हो सकती है। तो ये जो स्थिति बाबा पूछ रहे हैं वो हमारे ब्रह्मा बाबा की ही स्थिति थी, जिसे बोलते समय लगता था ये किसी और दुनिया में है, हमारी बात सुन भी रहे हैं और हमारे साथ है भी नहीं, तो ये न्यारे और प्यारेपन की एक साथ की अवस्था होती है। तो इसी में जैसे आगे बोला कि संकल्पों पे भी काबू पाने के लिए, तो उसमें भी कम से कम संकल्प हों, अच्छे हों, सार्थक संकल्प हों। पहले ये देखना है कि ये संकल्प हमारे अगर बाप दादा के नहीं है तो उससे बिल्कुल ही कट कर देना है, उसको आगे ले ही नहीं जाना है, क्योंकि बोलते हैं कदम पे कदम रखना है। तो जो संकल्प हैं, जो संस्कार हैं बाप दादा के हैं, वही करने हैं और किसी और पे मनन ही नहीं करना है, चिंतन ही नहीं करना, चित्त में ही नहीं लेना है किसी और संकल्प को। एक बार हम आपसे शेयर करते हैं कि जब दादी बोल रही थी तो उन्होंने बोला था कि महारथी में और दूसरों में जो मेन परिवर्तन की बात बताई थी कि महारथी याद और सेवा उनका साथ साथ होता है, याद होता है फिर सेवा होता है, और बाकियों में ऐसा नहीं होता है, याद आती रहती है, सेवा करते रहते हैं,
इसलिए वो नंबर वन में नहीं आते हैं। तो सारा संकल्प है, सब कुछ है हमारा, बाबा के साथ याद है, बाबा के साथ है, और जो बाबा का है वही हम करेंगे, उसके अलावा कोई पे चित ही नहीं रखेंगे। यही स्टॉप करने का सबसे बढ़िया है। ओम शांति। जी जी आप नहीं बोले जी, साक्षी बहन जी बोलिए। देखो ये जो बताया ना कि सेवा ज्ञान फिर अव्यक्त अवस्था, बोलते हुए भी बीच बीच में बोलने से परे, ये बाबा ने क्या कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा की तो हमारी थी ही, लेकिन हमारी भी कब होगी, जब प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चले। केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना तो प्रैक्टिकल में आ ही जाती है। इसका अनुभव लेना, अटेंशन देना कि मुझे प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करना है। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल माना क्या, प्रैक्टिस करते रहो। जी साक्षी दीदी जी बोले अपने हैंड रेज किया ना। ठीक है और भी कोई बोलना ताकि। ओम शांति। इसमें दो एग्जांपल बताए बाबा ने कि क्रिमिनल चीज को टच नहीं करना है, और सेकंड एग्जांपल में बाबा ने बोला कि हम मीन्स बुजुर्ग है फिर भी बचपन के जैसा गुड्डियों का जैसा खेल करते ऐसे लगता है। तो इसमें यही नजर आ रहा है कि हम आगे तो जा रहे लेकिन फिर भी हमारे बचपन वाले संस्कार यानी पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे और हमारे जो ओरिजिनल संस्कार वो छिप रहे, यानी हम कहीं ना कहीं क्रिमिनल चीज को टच कर रहे जो बाबा बाप दादा नहीं करते थे। बाबा के जैसे संस्कार है उसको ही यूज करना है, ना कि हमारे वाले कलयुगी संस्कार। तो बाबा हंसते हैं कि कैसे गुड्डियों का खेल कर रहे हैं, मीन्स बचपन का खेल लग रहा है। ओम शांति। इसलिए तो बाबा हमें साकार मुरली अव्यक्त मुरली इतना क्यों ज्ञान का चिंतन करते फिर पढ़ते हैं फिर योग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे कुछ संस्कार है जो बहुत बहुत कड़े हैं। और आप समझ भी सकते हैं कि जितना कड़ा संस्कार उतना कड़ा योग भी चाहिए। एक क्रिमिनल आए कितनी बार कहते हैं कि शरीर को मत देखो, लेकिन देखता है शरीर को ही। ऐसे कई सारी बातें हैं, कितनी बार हम बोलते कि सुबह अमृत वेले इतने ऐसे करेंगे ये करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर के संस्कार वो क्या होते हैं, धीरे 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 फिर से वही पुराने संस्कार हो जाते हैं। इसके लिए तो देखो कि हम यह पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का सार है। आप थोड़ा सा ये ग्रुप में हम पहले भी शेयर किए, लेकिन अव्यक्त मुरली कहो या साकार मुरली कहो, बहुत हमें गहराई में जाकर चिंतन करना, एक एक बात को ना बहुत अच्छी तरह पक्के करना है। बाबा ने क्यों कहा है क्या संकल्पों की रचना नहीं करनी है, बाबा ने क्यों कहा गुड़ियों का खेल नहीं करना है, गुड़ियों का खेल माना क्या है, तोड़ना मोड़ना। तो हम भी क्या करते हैं, संकल्पों को रचते हैं फिर मोड़ते हैं। तो ऐसे गहराई में जाकर आप चिंतन करना सभी, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर हाँ बाबा की मुरली समझ में आ गए बस हुआ, ऐसा समझे कि मुझे कुछ भी नहीं समझा, मैं पहली बार ये मुरली सुन रहा हूँ, कल ही मैं ज्ञान में आया हूँ, कल ही मेरा 7 डेज का कोर्स हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं, तब मुरली का आनंद आप ले सकते। ठीक है ना, और भी बोलना, ग्रुप में बहुत सारे मेंबर है, भाई बहन है, अब थोड़ा सा अपना माइक अनम्यूट करके बोलना।
जी साक्षी बेन, हाँ जी ओम शांति भाई जी, मुझे पूछना था कि जो घोड़े सवार और महारथी के बीच में बाबा ने अंतर बताया ना कि जो महारथी हैं वो बस प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल हो जाएगा, और घोड़े सवार प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर प्रैक्टिकल होगा, ये दोनों में मुझे समझ में नहीं आया जी, कोई बता सकते? निर्मला बहन जी, बाबा यहाँ पे घुड़सवार महारथी और घुड़सवार में ये अंतर बता रहे कि जैसे ही बाबा की मूर्ति में हमने ध्यान सुना और उसी दिन वो हम अप्लाई कर लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वो महारथी कहलाता है। और घुड़सवार ऐसे होंगे जहाँ कर करेंगे, बाबा ने कहा तो है बार बार में याद कर और फिर बाद में करने की प्लान बना जाते हैं, वो होते ही और ज्यादा तो होते हैं वो उसे महारथी माना क्या, जो बोलेंगे वही करेंगे, और घोड़ेश्वर माना क्या, करते एक है बोलते एक है, बाबा बोलते हैं ना संकल्प एक होता है फिर कर्म में लाने तक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन महारथी माना दोनों साथ साथ। तो देखो कि बाबा का महावाक्य सुनने के बाद ना अंदर में ऐसा लगना चाहिए कि मुझे भी ऐसा बनना है, जो भी संकल्प करेंगे ना, ऐसा नहीं कि संकल्प सिर्फ करेंगे, कुछ रोज दृढ़ता का पानी देना, विजुअलाइज करना कि मैं विजय रतन हूँ, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन, ऐसे कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहो आप, देखना अंदर में कितना परिवर्तन आता है, सचमुच आता है। ऐसे कितनी माताओं को मैंने भी देखा है कि कुछ भी 30 साल से वही माना गुस्सा आना, ये आना ये आना, और एकदम उनको जब बताया गया ना कि ऐसे ऐसे अव्यक्त मुरली है, इसमें बाबा ने ये कहा है, इतना उन्होंने 1 साल के अंदर भी इतना सारा परिवर्तन लाया। तो परिवर्तन लाने का आधार क्या है, संकल्प किया, ज्ञान को बढ़ाया। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। जी जी, आज बाबा ने कहा जैसे हम बर्थ कंट्रोल करते हैं तो हमें ऐसे ही ना अपने व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना है, और व्यर्थ संकल्प हमारे इसीलिए ज्यादा उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में मीन्स हम इतने पावरफुल नहीं है, अभी पुरुषार्थ हमारा लूज रह जाता है, इसीलिए हमारे व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है, और इसीलिए हमें ना अभी व्यर्थ संकल्पों का नामो निशान मिटाना है, तभी हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। हाँ ओम शांति ब्रदर। वैसे जो संकल्प की बाबा बात करते हैं ना कि व्यर्थ संकल्प चलते हो बाद में क्यों लग जाती वन आफ्टर अनदर, यू नो, तो उसके लिए एक बार सुना था एक दीदी की क्लास में कि उन्होंने बताया कि एनी टाइम कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई बोल रहा है सामने से, तो वो हमारे व्यर्थ या नेगेटिव ना चले चल रहे उसके लिए पहले राइट अवे थॉट करना है कि ये भी एक आत्मा है, 5000 ओल्ड आत्मा है, फिर ये भी एक सत्युगी दिव्य गुण वाली आत्मा है, ऐसे बार बार पॉजिटिव संकल्प वन आफ्टर अनदर हमको चालू रखना पड़ेगा, नहीं तो बीच में व्यर्थ आ जाएगा, मन को बिजी रखना पड़ेगा, सॉरी बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा। तो वैसे जैसे निवर्त की क्यों चलती है ना, ऐसे हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि राइट अवे इस थॉट के बाद इस थॉट, ये थॉट आनी ही चाहिए, ऐसा हमें कहाँ पर लिख लेना चाहिए और दिमाग में हमें रिपीट करना चाहिए, तो वो वक्त वो थॉट चलेंगे। ओम शांति।
इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि व्यर्थ संकल्प आने का कारण है कि ज्ञान का चिंतन की कमी। ये भी ज्ञान का चिंतन ही है कि वो महान आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसे संकल्प क्रिएट करते रहे। जी प्रीति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने एक बात बोली है कि संकल्प में भी निश्चय बुद्धि और वाणी में भी कभी बोल हिम्मतहीन करना हो, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी अर्थात महान, यानी कि संकल्प और वाणी में भी निश्चय होना चाहिए और हमेशा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान मेरे साथ है, उसका उसकी भासना हमारी। ओम सभी एक मिनट थोड़ा साइलेंस में रहेंगे। मेन रूम में आए ना तो सभी क्या करना, आज के दिन आज से अभी एक साइलेंस रहने की आदत डालना, कल तक जितना हो सके आवाज से परे। जैसे बाबा ने बोला ना कि आवाज करते हुए भी, आवाज से बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति। ठीक है, तो अभी आज का होमवर्क क्या लेंगे सभी? शायद दीदी जी नहीं, क्या एक ही होमवर्क लेना आज का मेन, कि बाबा ने कहा ना कि बर्थ का कंट्रोल माना व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति जो होती है ना, हम ही संकल्प वो खेल रचते हैं, जैसे गुड़िया खेल रचती है ना, वैसे हम क्या क्या संकल्प रचते हैं, अपने साक्षी होकर देखना केवल कि कितने सारे व्यर्थ संकल्प है, कितने सारे हमारे संकल्प ऐसे है कि जो काम के भी नहीं है, इनको कम करना, क्वालिटी संकल्पों को बढ़ाना, क्वांटिटी को कम करना। इसके लिए होमवर्क क्या लेना, समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा चिंतन करना, कुछ लिखना भी। कैसे करेंगे, स्वमानों का अभ्यास, बीच बीच में शरीरपन, जो भी आपको अच्छा लगता है ना लिखो, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें। ठीक है, तभी हम 5 मिनट योग करेंगे। योग करने से पहले फिर से एक बार बता देते, कल हमारा बाबा मिलन है, तो बाबा मिलन के दिन सभी बाबा के लाडले बच्चे तो हो ही, लाडले बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक पूरी दिनचर्या को भी एक्यूरेट रखना, कहां पर भी व्यर्थ का नाम निशान नहीं, फिर देखना बाबा के कितने सारे वरदानों से हम भर जाएंगे। ठीक है, अभी हम 5 मिनट योग करते हैं। पद्मा बहन जी अब योग कराएंगे। संपन्न दीदी जी आप करो ना जी। भ्रिकुटी में स्वयं को देखें, मैं व्यक्त देह में, व्यक्त दुनिया में बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। एक मिनट सिर्फ और सिर्फ एक ही संकल्प में स्थित हो जाए कि बस मैं बिंदु रूप आत्मा हूँ, लाइट माइट हूँ। एक संकल्प में स्थित होने से वातावरण
पावरफुल बनता है। तो बस मैं बिंदु रूप आत्मा लाइट माइट हूँ। फील करें मेरे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। और अब इस देह से निकलकर एकदम सीधा ऊपर परमधाम में पहुंच जाएं। शांति का देश, शांति सागर अपने सामने देखें। और अब संकल्प करें सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर से इसी एक संकल्प में स्थित हो जाएं एक मिनट के लिए, कि बाबा की सारी शक्तियां आ रही हैं और मैं बिंदु बन बाबा के पास बैठा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व शक्तियां मुझ में आ रही हैं। एकदम साइलेंस। और अपने में पावर का अनुभव हो रहा है। बाबा से, सर्व शक्तियों से मैं भरपूर हो गई। चमकती हुई मैं बिंदु आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में अपने लाइट की देह में हूँ। बाप दादा सम्मुख। और एक संकल्प कीजिए कि मैं बाप दादा के कदमों पर कदम रख चलने वाली महारथी आत्मा हूँ, महावीर आत्मा हूँ। फील कीजिए बाबा का वरदानी हाथ, जैसे वरदान दे रहे हों। हाँ बच्चे, महावीर महारथी भव। और प्यार से बोले, मीठे बाबा गुड नाइट, मुझे अपनी स्नेह और प्यार भरी गोदी में सुला लो। और इसी स्थिति में अपने इस साकार स्वरूप में आए और बहुत चैन और सुकून का अनुभव करते हुए बाबा को थैंक्स कर सो जाएं। शांति।